खंडवा लोकसभा उपचुनाव में निर्वाचन को लेकर 6 बसें आज सेगांव से रवाना हुई। कर्मचारी करवाएंगे 30 अक्टूबर को लोकसभा का उपचुनाव। विकास खंड के विभिन्न विभागों के 218 कर्मचारियों को रवाना किया है। निर्वाचन प्रभारी और पंचायत इंस्पेक्टर रमेश यादव ने बताया कि 2 बसों में 65 कर्मचारी बुरहानपुर और 4 बसों में 153 कर्मचारी खंडवा के लिए रवाना किए गए हैं। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। आज निर्वाचन के लिए कितने वाहन रवाना किए? खंडवा के लिए है तो 4 वाहन जा रहे हैं, जिसमें 153 कर्मचारी है, और बुरहानपुर के लिए 2 बसें जा रहे हैं, उसमें 65 कर्मचारी। क्या नाम लिखते हैं? रमेश यादव। क्या है आप? BPO जनपद पंचायत सेगांव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।